अपने पढ़ेंगे नावेगांधारणीय अध्याय, ठीक है। तो कौन सा चरक सूत्र? सातवां चैप्टर है नावेगांधारणीय अध्याय, ठीक है। सबसे पहले चरक ने जो अधारणीय वेग माने वो 13 माने, ठीक है। तो 13 अधारणीय वेग माने चरक ने और 3 उन्होंने धारणीय वेग माने। 3 धारणीय वेग कौन कौन से माने? एक तो कायिक और एक वाचिक और एक मानसिक, ठीक है। तो 3 तरह के उन्होंने क्या मान लिए? धारणीय वेग, कायिक, वाचिक और मानसिक। अष्टांग हृदय ने 14 अधारणीय वेग माने, ठीक है। अब अष्टांग हृदय ने कितने वेग मान लिए? अधारणीय, अधारणीय जो मान लिए वो 14 मान लिए, जबकि चरक ने कितने माने? अधारणीय वेग 13, ठीक है। तो अष्टांग हृदय ने 14 कौन कौन से मान लिए? 13 वही वाले और प्लस एक कास मान लिया, ठीक है। अब अष्टांग हृदय ने 5 धारणीय वेग माने, ठीक है। कौन कौन से? लोभ, ईर्षा, द्वेष, मार्तस्य और राग, ठीक है। लोभ, ईर्षा, द्वेष, मार्तस्य और राग, जबकि चरक ने 3 कौन कौन से माने थे? कायिक, वाचिक और मानसिक, ठीक है। तो इसका 14 और 5, उसका चरक का 13 और 3, ठीक है। तो अधारणीय वेगों को धारण करने से सुश्रुत ने 13 प्रकार के उदावत रोगों की उत्पत्ति बोली है, ठीक है। सुश्रुत ने क्या कहा है कि अधारणीय वेगों अगर धारण कर रहे हो तो 13 प्रकार के उदावत रोग हो जाते हैं। उदावत जो है चरक ने 6 प्रकार का बोला, ठीक है। तो सुश्रुत ने कितने 13 प्रकार का बोला ना, लेकिन सुश्रुत ने उदावर जो है वो 13 प्लस अपत्य निमित्त जी बोला है, ठीक है। 13 प्लस अपत्य निमित्त बोला। वाग्भट ने 14 बोला उदावर्त रोग, ठीक है। वाग्भट ने 14 बोला है, सुश्रुत 13 प्लस निमित्त। शारंगधर ने भी 13 बोला है, ठीक है। तो शारंगधर सुश्रुत का 13 हो गया, वाग्भट का 14 हो गया, चरक के 6 हो गए। भेल का 4 है, भैसज रत्नावली का 3, काश्यप का 6, ठीक है। भेल का 4, भैसज रत्नावली का 3, काश्यप का 6, भागवत का 14, शारंगधर का 13, ठीक है। सुश्रुत और शारंगधर 13, भागवत 14, चरक ने 6 प्रकार का उदावत रोग, ठीक है। और चरक और काश्यप दोनों ने 6 प्रकार के वो बताए उदावत रोग, ठीक है। सुश्रुत शारंगधर ने 13, भागवत ने 14, ठीक है। भैसज रत्नावली और भेल, ठीक है। भैसज रत्नावली ने 3, भेल ने 4 माने, ठीक है। भैसज रत्नावली, फिर भेल, ठीक है, 3 और 4, फिर काश्यप और चरक 6, सुश्रुत शारंगधर 13, फिर वाग्भट ने 14 उदावत रोग, ठीक है। तो इस तरीके से है अधारणीय वेग। अब अधारणीय वेग में क्या क्या हो जाता है? विनाम, अधारणीय वेग धारण करने से, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में जो बीमारी दे रखी है वो डिजीज़ का नाम दे रखा है, और कौन से वेग धारण करने की वजह से वो राइट साइड में दे रखा है, तो विनाम हो जाता है। विनाम किससे होता है? मूत्र और जरम्बा का वेग धारण करने से, ठीक है। अगर पेशाब रोके रहोगे और जरम्बा को रोके रहोगे तो क्या हो जाएगा? विनाम हो जाएगा। फिर वंक्षण में आना, वंक्षण में आना कब होती है? मूत्र को रोकने से। वंक्षण मतलब नीचे वही तुम्हारा ग्रोइन रीजन जो है उधर आना कब होती है? मूत्र को रोके रहो तो अभी आना हो जाएगी। आद्यमान, आद्यमान कब होता था? पुरीष और अपानवायु, अपानवायु नीचे होती है, ठीक है। और पुरीष, ठीक है, पुरीष और अपानवायु को रोके हुए हो तो आद्यमान हो सकता है। शिरसूल, मूत्र, पुरीष और छवतु, ठीक है। अगर आप लैटरिंग बाथरूम सब रोके हुए हो और अपनी छवतु को भी रोके हुए हो तो शिरसूल हो सकता है। शिरोरोग, निद्रा का वेग धारण करने से, ठीक है। अगर आप नींद को रोके रहे हैं कि नींद आ रही है फिर भी नहीं सो रहे हैं तो निद्रा का वेग धारण कर रहे हैं तो शिरोशूल हो सकता है, शिरोरोग हो सकता है, ठीक है। लेकिन शूल जो होगा वो मूत्र पुरीष छवतु को वेग धारण से, लेकिन रोग, सिर में रोग दूसरा जो होगा वो निद्रा का वेग धारण करने, ठीक है। रोग नींद का वेग धारण करने से, बाकी मूत्र पुरीष और छवतु को रोके तो सर में दर्द हो सकता है, ठीक है। बाकी और बाकी बीमारियाँ सर से वो निद्रा का वेग धारण करने से होती है। बस्ती, मेहनशूल और मूत्रकृच, ठीक है। अगर बस्ती, मेहनशूल और मूत्रकृच कर रहे हैं तो मूत्र का वेग धारण करने से होगा, ठीक है। तो मूत्रकृच तो मूत्र वेग से ही हो जाएगा, मेहनशूल और बस्ती, ठीक है, तो भी मूत्र वेग से, मेहन बस्ती शूल, तो वो आपको पता चल जाएगा मूत्र वेग धारण से। मेढ्र, विषण और शुक्र शूल, ठीक है। मेढ्र में जो हो रहा है वो शुक्र के से हो जाता है, ठीक है। मेढ्र, विषण, शूल में शुक्र का वेग धारण करने से रहता है। विबंध मूत्र, विबंध और मूत्र, विबंध मूत्र तो वो भी शुक्र की वजह से। मेढ्र, विषण, शूल और विबंध मूत्र दोनों की वजह से होते हैं, शुक्र की वजह से। वात, वर्चो, अपवर्तन, वात, वर्चो, अपरवर्तन जो होता है वो पुरीष का दवेग धारण करने से होता है, ठीक है। वात, वर्चो, अपरवर्तन किसकी वजह से होता है? पुरीष का वेग धारण करने से। फिर आता है विडमूत्र, वातसंग, विडमूत्र, वातसंग किसकी वजह से होता है? अपानवायु का वेग धारण करने से, ठीक है। और ऊपर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, अपानवायु का वेग धारण करने से आद्यमान और अपानवायु का वेग धारण करने से विडमूत्र, वातसंग भी होता है, ठीक है। और पुरीष का वेग धारण करने से वात, वर्चो, अपवर्तन भी होता है और आद्यमान भी होता है, वात, वर्चो, अपवर्तन, ठीक है। और पुरुष का वेग धारण करने से शिशूल भी होता है, ठीक है, और वात, वर्चो, अपवर्तन भी होता है।
ठीक है, फिर बात आती है पकवासे शूल। पकवासे शूल में पुरुष का वेग धारण करने से होता है। पिंडिको उद्वेष्टन वही पुरुष का वेग धारण करने से होता है। ठीक है, तो पिंडिको उद्वेष्टन हो, पकवासे शूल हो, या फिर तुम्हारा सिर शूल हो, ठीक है, आदमान हो, ये सब पुरुष के वेग धारण करने से होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है अंगमर्द। अंगमर्द किसकी वजह से होता है? निद्रा, क्षुधा और शुक्र का वेग धारण करने से। क्या क्या धारण करने से? निद्रा, क्षुधा और शुक्र का वेग धारण करने से। बात आती है हृदय व्यथा की। हृदय व्यथा कब होती है? जब शुक्र और पिपासा का वेग धारण करते हैं। ठीक है, हृदय व्यथा कब? शुक्र और पिपासा का वेग धारण करने से। फिर आता है हृदय रोग। हृदय रोग कब होता है? जब वाष्प एवं श्रमजन्य निश्वास करने से। हृदय रोग कब होता है? वाष्प और श्रमजन्य निश्वास से। ठीक है, अरुचि कब होता है? वाष्प, छर्दी, क्षुधा और उद्गार का वेग धारण करने से। वाष्प, छर्दी, क्षुधा और उद्गार का वेग धारण करने से अरुचि जाती है। भ्रम कब होता है? क्षुधा और वाष्प का वेग धारण करते हैं। भ्रम कब होता है? क्षुधा और वाष्प का वेग धारण करने से। क्लम कब होता है? अपान वायु का वेग धारण करने से। ठीक है, अपान वायु का वेग धारण करने से क्या क्या हो गया? क्लम हो गया, और पिछले पेज पे हमने क्या क्या पढ़ा था? विड, मूत्र, वातसंग और आद्यमान। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्लम से भी, अपान वायु का वेग धारण करने से। ठीक है, श्रम और साथ किसका वेग धारण करने से? पिपासा का वेग धारण करने से। दौर्बल्य किसकी वजह से होता है? कृष्ता, व्यवर्ण और क्षुधा का वेग धारण करने से। कृष्ता, व्यवर्ण और क्षुधा का वेग धारण करने से दौर्बल्य होता है। कुष्ठ, विसर्प, कंडू, कोट और व्यंग, ये किसकी वजह से होता है? छर्दी की वजह से। कुष्ठ, विसर्प, कंडू, कोट और व्यंग, छर्दी का वेग धारण करने से। पांडु, ज्वर और शोथ कब होता है? छर्दी का वेग धारण करने से। पांडु, ज्वर और शोथ, छर्दी का वेग धारण करने से। मन्यास्तम, अर्धिक और अर्धावेदक। मन्यास्तम, अर्धित और अर्धावेदक, ये किसकी वजह से होता है? इंद्रियाणाम चा दौर्बल्यम से। मन्यास्ताम, अर्धित, अर्धावेदक, इंद्रियाणाम चा दौर्बल्य किसकी वजह से होता है? छब्द का वेग धारण करने से। मन्यास्ताम, अर्धित, अर्धावेदक, इंद्रिय दौर्बल्य, निराणाम दौर्बल्य, चा दौर्बल्य, छब्द का वेग धारण करने से। अक्षी रोग किससे होता है? वाष्प और असुर का वेग धारण करने से। अक्षी गौरव, निद्रा का वेग धारण करने से होता है। विबंध और हृदय उर्षो, हृदय किसकी वजह से होता है? उद्गार का वेग धारण करने से। हिक्का श्वास किसकी वजह से होता है? उद्गार का वेग धारण करने से। तो विभिन्न, हृदय, उर्सो और हिक्का श्वास, ये सब होता है उद्गार का वेग धारण करने से। फिर आता है कंप। कंप का वेग धारण करने से क्या होता है? उद्गार होता है और जम्बा होती है। ठीक है, विभिन्न, हृदय, उर्सो, हिक्का श्वास और कंप, उद्गार और जम्बा का, उद्गार का वेग धारण करने से। कंप, उद्गार और जम्बा का वेग धारण करने से होता है। आक्षेप, संकोच और सुप्ति, ये जम्बण की वजह से होता है। आक्षेप, संकोच, सुप्ति किसकी वजह से होता है? जम्बण की वजह से। बाधिर्य कंठ आस्य शोष, बाधिर्य कंठ आस्य शोष किसकी वजह से होता है? पिपासा का वेग धारण करने से। फिर प्रतिक्षय और अच्छी रोग वाष्प के कारण होता है। प्रतिक्षय और अच्छी रोग वाष्प का वेग धारण करने से। जम्बण और तंद्रा, निद्रा का वेग धारण करने से होता है। जम्बण और तंद्रा, निद्रा का वेग धारण करने से। गुल्म और सम्मोहन किसकी वजह से होता है? श्रमजन्य श्वास का वेग धारण करने से। ठीक है, गुरु और सम्मोहन श्रमजन्य श्वास की वजह से। हल्लास होता है छर्दी का वेग धारण करने से। हल्लास की वजह से छर्दी का वेग धारण करने से। चिकित्सा ऑफ अधारणीय वेग, अधारणीय वेग की चिकित्सा क्या होता है? अपीड़क सर्पी। अपीड़क सर्पी कब देते हैं? भोजन के आदि व अंत में उत्तम मात्रा में घृत। ठीक है, ये कब देते हैं? इन मूत्र वेग, मूत्र वेग में क्या देते हैं? अपीड़क सर्पी। भोजन के आदि और अंत में उत्तम मात्रा में सर्पी देना है मूत्र वेग के। ठीक है, फिर घृतम च उत्तर भक्तम, छवतु का वेग धारण, छवतु वाले में। ठीक है, घृतम च उत्तर भक्तम, भोजन के बाद घृत पान, ठीक है, छवतु में देना है, और आदि और अंत में मूत्र, मूत्र वेग में देना है। स्निग्ध उष्ण लघु भोजन, स्निग्ध उष्ण लघु भोजन कब देना है? छुदा का वेग धारण करने पर। शीत तर्पण पिपासा वेग धारण करने पर देना है। स्वप्न मध्य प्रिय कथा अश्रु का वेग धारण करने पर। स्वप्न संवाहन निद्रा के वेग की चिकित्सा है। ठीक है, स्वप्न संवाहन निद्रा के वेग की चिकित्सा है। फिर विश्राम मातग्न श्रमजन्य निश्वास की चिकित्सा है। फिर स्वेदन अभ्यंग अवगाहन मूत्र पुरुष के वेग की चिकित्सा है। स्वेदन अभ्यंग अवगाहन किसकी चिकित्सा है? मूत्र पुरुष के वेग की चिकित्सा है। अभ्यंग अवगाहन शुक्र, शुक्र वेग की चिकित्सा है। अभ्यंग अवगाहन शुक्र वेग की चिकित्सा है। और त्रिविध वस्तिकर मूत्र वेग की चिकित्सा है। त्रिविध वस्तिकर मूत्र वेग की चिकित्सा है। वस्ती, वर्ती और वस्तिकर पुरुष वेग की चिकित्सा है। वर्ती और वस्तिकर पुरुष वेग की चिकित्सा है। नेक्स्ट आ गया वर्ती भोजनानी पानानी वस्ती वात अनुलोमन, अपान वायु की चिकित्सा है। वर्ती भोजनानी पानानी वस्ती वात अनुलोमन, ये अपान वायु की चिकित्सा है। फिर प्रमाथी अन्नपान, प्रमाथी अन्नपान पुरुष के वेग की चिकित्सा है। प्रमाथी अन्नपान पुरुष के वेग की चिकित्सा है।
फिर मदिरा चरणायुधा, शाली चावल छीर निरुवस्ती मैथुन, ठीक है, मदिरा फिर चरणायुधा, चरणायुधा मतलब मुर्गे का मांस, ठीक है, मदिरा चरणायुधा शाली चावल छीर निरुवस्ती और मैथुन, ये शुक्र के वेग के धारण। फिर भुक्तवा प्रच्छर्दन, धूम लंघन, रक्तमोक्षण, रुक्ष अन्नपान, व्यायाम, विरेचन, ये छर्दी का वेग धारण करने से। भुक्तवा प्रच्छर्दन, धूम लंघन, रक्तमोक्षण, रुक्ष अन्नपान, व्यायाम, विरेचन, ये किसकी वजह से, छर्दी का वेग धारण करने से। फिर हिक्का तुल्य औषध, हिक्का तुल्य औषध उद्गार के वेग की चिकित्सा है, हिक्का तुल्य औषध किसकी चिकित्सा, उद्गार के वेग की चिकित्सा। फिर वाताग्न औषध जर्मण के वेग की चिकित्सा है, वाताग्न औषध जर्मण के वेग की चिकित्सा। फिर वाताग्न तैलों का अभ्यंग, वाताग्न तैलों का अभ्यंग ऊर्जत्रुगत भाग में छवतु, ठीक है, वाताग्न तैलों का अभ्यंग ऊर्जत्रुगत भाग में, तो ये कब देना, छवतु में, स्वेदन धूम्र और नावन्नस्य छवतु में, स्वेदन धूम्र और नावन्नस्य छवतु में। अष्टांग हृदय ने 14 धारणीय वेग बताया, 13 प्लस खास, ठीक है, तो क्या क्या बोला अष्टांग हृदय ने, रोगा सर्वे भी जायंते वेगो उदीरण धारण, वेगो उदीरण धारणे, ठीक है, इसका रेफरेंस क्या है, सूत्र 4, ठीक है, रोगा सर्वे भी जायंती वेगो उदीरण धारणे, ठीक है, रेफरेंस सूत्र 4 है इसका, अनुपस्थित वेगों को बलपूर्वक प्रवृत्त करना अर्थात उदीरण तथा उपस्थित वेगों को रोकना अर्थात धारण, ये सभी रोगों के कारण होते हैं। क्या है, अनुपस्थित वेग को बलपूर्वक प्रवृत्त करना, नहीं है तो उनको प्रवृत्त करना और उपस्थित वेग को रोकना, ये सूत्र 4 में बोला गया, ये सभी रोगों का कारण होते हैं, ठीक है। फिर सर्वेशा में रोगाणाम निदानम कुपितानाम मलम, निदान कुपितानाम मलम तत् प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विधि विविध अहि सेवनाम, ठीक है। फिर अष्टांग हृदय निदान 1 का श्लोक है, सर्वेशामेव रोगाणाम निदानम कुपितामलम, सर्वेशामेव रोगाणाम निदानम, ठीक है, तो इन कुपितामलम तत् प्रकोपस्य प्रोक्तम विधि अहि सेवनम, ठीक है, रेफरेंस अष्टांग हृदय निदान 1 का श्लोक है। सब रोगों के कारण कुपित, सब रोगों के कारण कुपित वात पित्त कफ है, सब रोगों के जो कारण है कुपित वात पित्त कफ है, इनके कोप का कारण विविध प्रकार के हित का सेवन करना है, इनके कोप का कारण क्या है, विविध प्रकार के हित का सेवन करना। रोगे सर्वे अपी मंदाग्नि सुतराम उदराणी तू, ठीक है, रोगे सर्वे अपी मंदाग्नि सुतराम उदराणी तू, ये किसका श्लोक है, अष्टांग हृदय निदान 12 का, रोगे सर्वे अपी मंदाग्नि सुतराम उदराणी तू, अष्टांग हृदय निदान 12, ठीक है। अजीर्ण मलिन अन्न जायंते मल संचयात, अजीर्ण मलिन अन्न जायंते मल संचयात, फिर ये भी श्लोक सीखा है, सब रोग अग्निमंद होने की वजह से उत्पन्न होते हैं, इनमें उदर रोग तो विशेषकर अग्निमंद से, इसके अतिरिक्त अजीर्ण तथा उदर, अजीर्ण तथा मलिन अन्न से तथा चिरकालीन एकत्रित दोषों के संचय से अथवा मल के संचय से उदर रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो सब रोग अग्निमंद होने की वजह से उत्पन्न होते हैं, इनमें उदर रोग तो विशेषकर अग्निमंद से, इसके अतिरिक्त अजीर्ण तथा मलिन अन्न से चिरकालीन एकत्रित दोषों के संचय से अथवा मल के संचय से उदर रोग उत्पन्न होते हैं, ये सब चीज़ होगी। फिर नेक्स्ट हो गया अष्टांग हृदय सूत्र 4 में, त्रिट शूल अर्ते त्यजेत क्षीण विडवम वेग रोधिनी, जो वेग रोधी रोगी तृष्णा एवं शूल से पीड़ित हो, जिसके धातु क्षीण हो गए हो, जो मल का वमन करता हो, उसकी चिकित्सा ना करें, क्या कह रहा, त्रिट शूल अर्ते त्यजेत क्षीण विडमन विडवम वेग रोधिनी, जो वेग रोधी रोगी तृष्णा एवं शूल से पीड़ित हो, इसके धातु क्षीण हो गए हों, जो मल का वमन करता हो, उसकी चिकित्सा ना करें। फिर नेक्स्ट आता है अंगभंग, अंगभंग किस में होता है, मूत्र शुक्र और क्षुधा का वेग धारण करने पर, अंगभंग का मूत्र शुक्र और क्षुधा का वेग धारण करने पर, गुल्म किस में होता है, श्रमजन्य श्वास अश्रु और अपान वायु का वेग धारण करने पर, गुल्म कब होता है, श्रमजन्य श्वास और अश्रु का अपान वायु का वेग धारण करने पर, भ्रम कब होता है, क्षुधा और वाष्पिपासा का वेग धारण करने पर, क्षुधा वाष्पिपासा का वेग धारण करने पर, श्वास कब होता है, छर्दी और कास का वेग धारण करने पर, श्वास छर्दी और कास का वेग धारण करने पर, हिदिमा हिक्का कब होता है, उद्गार और कास का वेग धारण करने पर,
यदमाय का उद्गार काश का वेग धारण करने पर, दृष्टि अग्निवत, दृष्टि अग्निवत हो जाती है अपान वायु का वेग धारण करने पर। फिर मुखेन वट प्रवृत्ति, मुखेन वट प्रवृत्ति होती है पुरुष का वेग धारण करने पर। फिर ज्वर कब होता है, छर्दी और शुक्र का वेग धारण करने पर। मन्यास्तम कब होता है, छवतु और वाष्प का वेग धारण करने पर। जम्मण को रोकने से लक्षण छवतु वेग रोकने के समान होते हैं। जम्मण को रोकने के जो लक्षण होते हैं छवतु वेग रोकने के समान लक्षण होते हैं। फिर काशस्य, काशस्य रोधार्थ तद वृद्धि श्वास अरुचि हृदय आमय शोषो हिदिमा च कायम अंच च काशस सुतराम विधि, सुतराम निधि। ठीक है, तो काशस्य रोधार्थ तद वृद्धि श्वास अरुचि हृदय आमय शोषो हिदिमा च काय अंच च काश सुतराम निधि। काश के वेग रोकने से काश की अधिकता होती है, श्वास आदि हृदय रोग होते हैं, शोष तथा हिदिमा उत्पन्न होता है, इससे काशनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। काश के वेग रोकने से काश की चिकित्सा अधिकता होती है, श्वास आदि हृदय रोग होते हैं, शोष तथा हिदिमा उत्पन्न होता है, इसमें काशनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। काश में क्या होता है, छर्दी और काश, काश का वेग रोकने से छर्दी और काश होता है। हृदय रोग कब होता है, श्रमजन्य श्वास पिपासा और अपान वायु का वेग धारण करने से। हृदय रोग कब होता है, श्रमजन्य श्वास पिपासा और अपान वायु का धारण करने से। अक्षय रोग होता है छर्दी की वजह से, अक्षय रोग किसकी वजह से, छर्दी की वजह से। हृदय व्यथा उपरोधनम पुरुष के वेग धारण करने से, हृदयस्थ उपरोधनम होता है पुरुष के वेग धारण करने से। विबंध हृदय उर्सो इन उद्गार के वेग में, ठीक है, विबंध हृदय उर्सो उद्गार के वेग में। नित्य हित आहार विहार से भी समीच्छकारी विषय आसक्ता, विषय आसक्ता दाता सम सत्यपरा क्षमावान आत्य सेवी चा भवत्य रोग। स्टांगते सूत्र दो में बोले हैं, नित्य हित आहार विहार सेवी समीच्छकारी विषय आसक्ता दाता सम सत्यपरा क्षमावान सेवी चा भवत्य रोग। स्टांगते सूत्र चार का श्लोक है। चरक ने चरक सारी दो में क्या बोला गया, नरो हित आहार विहार सेवी समीच्यकारी विषय आसक्ता दाता सम सत्य का सत्यकर क्षमावान आप्त सेवी च भवत्य रोगा। ठीक है, तो नरोहित आहार विहार सेवी समीच्यकारी विषय आसक्ता दाता सम सत्यकरा क्षमावान आप्त सेवी च भवत्य रोगा। व्यायाम, व्यायाम क्या होता है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थयार्था बलवर्धिनी, शरीर चेष्टा चेष्टा से अर्था बलवर्धनी। व्यायाम स्थैर्य करणाम, व्यायाम जो है वो स्थैर्य करणाम है। विशुद्ध ने शरीर आयास, शरीर आयास जन्य कर्म व्यायाम संहितम, शरीर आयास जन्य कर्म व्यायाम संहितम। अष्टांग संग्रह ने क्या बोला, शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम उच्यते, शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम उच्यते। और सुश्रुत ने शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम संहितम बोला, सुश्रुत ने संहितम बोला, संघ संग्रह ने उच्चते बोला है। पादांशिक क्रम का वर्णन मिला है चरक सूत्र साथ में नाविकंदारणी में, ठीक, चरक सूत्र साथ में पादांशिक क्रम का वर्णन भी है। फिर हितकर वस्तुओं का शरीर में प्रक्षेप सेवन करने में तथा अहितकर वस्तुओं के अपचय मतलब त्याग करने में पादांशिक क्रम यूज होता है। ठीक है, हितकर वस्तुओं के शरीर में प्रक्षेप मतलब अंदर लेने में, अहितकर वस्तुओं का अपचय त्याग करने में। इसमें एकांतर द्वयांतर त्रयांतर के अनुसार प्रक्षेप एंड अपचय किया जाता है। एकांतर द्वयांतर त्रयांतर के अनुसार प्रक्षेप और अपचय किया जाता है। क्रम से अपचित दोष का शरीर में पुनर्भाव नहीं होता तथा क्रम से उपचित गुण अपक्रम अपर अप्रकम अप्रकम्प अर्थात स्थिर होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, क्रम से अपचित दोष का शरीर में पुनर्भाव नहीं होता तथा क्रम से उपचित गुण अप्रकम अर्थात स्थिर होते हैं। भागवत ने पाद तथा पाद पादेन, ठीक है, चतुर्थांश षोडशांग के क्रम में त्याग करना बताया। ठीक है, भागवत ने पाद तथा पाद पादेन चतुर्थांश षोडशांग के क्रम में त्याग करना बताया। चरक सूत्र साथ में चार दोषज प्रकृति बताई है, वातज पित्तज कफज और संप्रकृति, है ना, तो वातज पित्तज कफज और संप्रकृति ये चीज होगी। तो वातज पित्तज कफज जो है सदातुर है, सम जो है अनातुर स्वस्थ। चरक विमान छः में चार दोषज प्रकृति बताई, चरक विमान आठ में सात प्रकार की दोषज प्रकृति बताई है, चरक विमान छः में चार
आठ में सात और चरक शरीर चार में 16 प्रकार की मानस प्रकृति बताइए। विमान छः, विमान आठ और शरीर चार। विमान छः में चार, विमान आठ में सात और विमान छः में चार, विमान आठ में सात और विमान शरीर चार में 16 प्रकार की मानस प्रकृति। सतरजतम छः सात छः तीन SRT सात छः तीन, ठीक है। तो 16 प्रकार की प्रकृति चरक शरीर चार में, ठीक है। चरक इंद्रिय एक में छः जातज प्रकृति का उल्लेख है। चरक इंद्रिय एक में कितनी छः जातज प्रकृति का उल्लेख है? जाति प्रसक्ता कुल प्रसक्ता, एक में छः जातज प्रकृति का, जाति प्रसक्ता कुल प्रसक्ता, देश और काल अनुपातनी व्यय अनुपातनी, देश काल व्यय अनुपातनी, जाति प्रसक्ता कुल प्रसक्ता, प्रत्यात्मनीयता, सारी चीज़ें होगी। फिर अयन, अयन जो होता है मार्ग को कहते हैं। चरक इंद्रिय एक में विकृति तीन तरह की बोलिए। लक्षण लक्ष्य निमित्ता निमित्त अनुरूप, लक्षण निमित्ता लक्ष्य निमित्ता निमित्त अनुरूप निमित्ता, ठीक है। फिर शिशु शारी चार में शुक्र शोणित संयोगो योग भवे दोष उत्कट, दोष उत्कटा प्रकृति जायन्ते तेन तस्य लक्षण, ठीक है। शिशु शारी चार ने क्या बोला? शिशु शुक्र शोणित संयोगो योग भवे दोष उत्कटा प्रकृति जायन्ते तेन तस्य लक्षण। शुक्र के शुक्र एंड शोणित के अयोग के समय जो दोष प्रबल, शुक्र शोणित के संयोग के समय जो दोष प्रबल उसके अनुसार प्रकृति फॉर्म होती है। शुश्रुषा शरीर चार में सात दोषज और 16 मानस प्रकृतियों का उल्लेख है। शुश्रुषा चार में क्या है? सात दोषज 16 मानस प्रकृति का उल्लेख है, ठीक है। और चरक विमान आठ में भी है सात दोषित प्रकृति, चरक विमान आठ में भी सात दोषित प्रकृति है, शिशु शरीर चार में भी सात दोषित प्रकृति है, चरक विमान आठ में सात दोषित प्रकृति है, लेकिन शिशु शरीर चार में 16 मानस प्रकृतियों का उल्लेख भी है, ठीक है। काश्यप सूत्र लेहन अध्याय में त्रिस्थूण प्रकृति का उल्लेख है, ठीक है। वातस्थूण पित्तस्थूण कफस्थूण धातुर समस्थूण जो आरोग्य है, ठीक है। काश्यप सूत्र लेहन अध्याय में, ठीक है। चरक विमान पाँच में स्रोत दृष्टि के लक्षण चार बताए गए हैं। चरक विमान पाँच में स्रोत दृष्टि के लक्षण चार हैं। अति प्रवृत्ति संग शिरा ग्रंथि और विमार्गमन, अति प्रवृत्ति संग शिरा ग्रंथि और विमान विमार्ग गमन, ठीक है। फिर मलायन होता दो अध, ठीक है। गुद और मूत्र मार प्लस सात सिर में, ठीक है। दो तो अध में मतलब गुद और मूत्र मार प्लस सात सिर में, दो नेत्र, दो आँख, कान, नाक, मुख, ठीक है। प्लस स्वेद व मार, ठीक है। मुलायम जो होते दो नीचे को होते हैं और बाकी जो सात सिर में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, इसके लिए इतना।